अभी तक आप लोगों ने मेरे जितने भी लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनमें आज का जो मेरा लेक्चर है यह थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरे बहुत सारे छात्रों ने यह अनुरोध किया था कि मैं उन्हें यह बताऊं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा कॉलेजेस की परीक्षाओं में आप उत्तर कैसे लिखें। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूँगा। कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर आप परीक्षा में उत्तर लिखकर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस अंत तक जरूर देखें। तो आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। वैसे ही परीक्षाओं में आप जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुति है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जहां तक हिंदी साहित्य की सामग्री का प्रश्न है, कंटेंट का प्रश्न है, तो लगभग सभी छात्रों के पास एक ही प्रकार की सामग्री होती है। जो महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर है वह है आपकी प्रस्तुति, कि आप अपने आइडियाज को, अपने विचारों को प्रेजेंट कैसे करते हैं परीक्षा में। तो हिंदी साहित्य कोई शुष्क या फिर निरस विषय नहीं है, यह अन्य विषयों से पूरी तरह से अलग है। और इसके लिए आपको बहुत ही रुचि और लगन, मतलब हिंदी साहित्य के प्रति आपके मन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत ही रोचक विषय है। और यदि बहुत ही रोचक रुचि के साथ आप इसको पढ़ेंगे, विभिन्न अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ता है, वो भी आप बार बार आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, जो हिंदी साहित्य के जो शिक्षक होते हैं, भाषा के या किसी भी भाषा के या फिर हिंदी के, दो तीन चीजें वे आपकी उत्तर पुस्तिका में जरूर देखते हैं जो उनको आकर्षित करती है। पहली बात यह है कि आपकी लिखावट बहुत ही सुंदर होनी चाहिए और पठनीय होनी चाहिए। यदि लिखावट बहुत सुंदर नहीं है तब भी आप जो परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो वह पठनीय होना चाहिए, आसानी से पढ़ने में आना चाहिए। दूसरी जो बात है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं आमतौर पर बच्चे, वे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए और ज्यादा काट छांट नहीं होना चाहिए। जो हिंदी के जो मूल्यांकनकर्ता होते हैं उनका काम बहुत ही श्रम असाध्य होता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। या अन्य विषयों में भी यही हाल है, क्योंकि जब आप उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं तो आपको पूरी उत्तर पुस्तिका को वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ता है, एक एक शब्द, तभी आप सही ढंग से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके साथ न्याय कर सकते हैं। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताया, जिसके आधार पर जो आपका पहला इंप्रेशन है, आपका लिखाव, आपकी जो लिखावट है सुंदर और पठनीय है, तो उसे पहले ही जो मूल्यांकन करता है उसे आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद परीक्षा में उत्तर लिखे कैसे, कैसे आपको शुरुआत करनी है, कैसे समाप्त करना है। आपने मेरे पिछले बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें मैंने आपको मॉडल आंसर्स उपलब्ध करवाया है पीडीएफ के रूप में, नहीं तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो में जाकर देखेंगे आपको वहां पर मॉडल आंसर दिखता है कि आपको परीक्षा में एक स्तरीय उत्तर कैसे लिखना है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर भी कुछ बुनियादी चीजों को आपको बताऊंगा मैं। परीक्षा में जब आप उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रस्तावना। यह प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आपको लिखना है राम की शक्ति पूजा की विषय वस्तु, तो सबसे पहले ये बताना है कि राम की शक्ति पूजा किसने लिखी, निराला जी ने लिखी, कब लिखी, किसमें पहले प्रकाशित हुई, किस पर आधारित है। मतलब जो लेखक या कवि हैं उनके जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। उसके बाद उनके अन्य रचनाओं का भी उल्लेख वहां पर करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये बताना है कि यह जो रचना है किससे संबंधित है, इसका मूल जो जिस किताब से यह संबंधित है या जिस विषय या फिर जिस कहानी या जिस भी जो अवधारणा है अथवा जो भी पौराणिक कृति है किससे प्रभावित है, वह लिखना है आपको। तो प्रस्तावना लिखने के बाद आपको हमेशा अपना उत्तर बिंदुवार लिखना है, बिंदु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, हमेशा आप बिंदुवार उत्तर लिखें, पॉइंट पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखना है। और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष वह होता है, मतलब आपने जो भी ऊपर लिखा उसका सारांश होता है, मतलब सार लिखना है, ब्रीफ लिखना है आपने ऊपर में जो भी लिखा है। तो मेरे वीडियो में आप मॉडल आंसर जाकर जरूर देखें कि मैंने वहां पर कैसे अपना प्रेजेंटेशन दिया हुआ है बिंदुवार। इसके बाद यदि परीक्षा में एक निर्धारित क्रम से लिखने की बाध्यता नहीं है तो सबसे पहले आप अपने उत्तर को लिखने की शुरुआत उस प्रश्न से करें जिसका उत्तर आप, जिसमें आपका सबसे ज्यादा कमांड है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा अधिकार है, उस प्रश्न को आप सबसे पहले हल करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, जब मूल्यांकनकर्ता जब आपका पहला ही उत्तर उसे प्रभावित हो जाता है तब वह आपके प्रति एक दृष्टिकोण निर्मित कर लेता है कि भाई यह जो छात्र है
यह भली भांति पढ़कर आया है और इसकी जो प्रस्तुति है बहुत ही अच्छी है। तो आप एक इम्प्रेशन डालने में, मूल्यांकनकर्ता के ऊपर जो लिसनर होते हैं उनके ऊपर आप एक अपना छाप छोड़ने में आप सफल हो जाते हैं। तो बिंदुवार उत्तर आपको लिखना है और जो जिस उत्तर में आपका कमांड सबसे कम है उस उत्तर को आपको सबसे आखिरी में लिखना है। एक प्रश्न आपके मन में भी यह रहता है कि कितना शब्द लिखे। आमतौर पर हिंदी साहित्य के छात्रों के मन में यह बात होती है कि मैं तो स्नातक का छात्र हूं, मैं तो स्नातकोत्तर का छात्र हूं, तो इस आधार पर उत्तर बदल जाएगा क्या? तो वास्तव में जो हिंदी साहित्य है वह किसी कक्षा से संबंधित नहीं होता है। जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल है तो आदिकाल ही रहेगा, छायावाद है तो छायावाद ही रहेगा, निराला जी के बारे में लिख रहे हैं तो उनके बारे में वैसे लिखेंगे, चाहे आप स्नातक की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप फिर स्नातकोत्तर स्नातक अथवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहे हो। तो हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं कि आप छोटी कक्षाओं में है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आपका उत्तर का स्तर बदल जाएगा। उत्तर का स्तर वही रहता है कितने शब्दों में लिखे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो बता दिया जाता है आपको कि यह उत्तर आपको 1,500 शब्दों में लिखना है, 2,000 शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है, जो भी लिखना है। अब शब्द सीमा का आप निर्धारण कैसे करेंगे? तो आप जो नियमित रूप से जो अभ्यास कर रहे हैं, अपने घर में लिख रहे हैं, तब आप देख लें कि आप एक लाइन में आप कितने शब्द लिखते हैं। जैसे एक लाइन में 5 शब्द लिखते हैं तो 10 लाइन में आप 50 शब्द लिखते हैं। तो इस तरह आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, उस आधार पर आप लिखते चले जाए। और फिर जहां पर शब्द सीमा निर्धारित नहीं, खाली जैसे 3 घंटे का पेपर है, अब 3 घंटे का पेपर है उसमें 20 नंबर के भी प्रश्न है, 10 नंबर के भी प्रश्न है, 8 अंकों के भी प्रश्न है, 5 अंकों के भी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न भी है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी। तो जितना ज्यादा अंक उतना ज्यादा समय उसके लिए निर्धारित कर लीजिए। देखे 3 घंटे का प्रश्न पत्र है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप कितना समय देंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप कितना समय देंगे, उस समय सीमा के भीतर आप उस उत्तर को लिखने का प्रयास करें। जैसे 20 नंबर का प्रश्न है तो आपको 15 मिनट देना है कि 20 मिनट देना है, 5 अंक का प्रश्न है तो कितना समय देना है, तो इस समय को विभाजित कर लीजिए पहले से। तो जो समय का विभाजन है यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और उस समय सीमा के भीतर आपको उस प्रश्न को समाप्त करना ही है। हर हाल में जितनी बातें आपको लिखनी है उसको आपको वहां पर समेट लेना है और समय सीमा के भीतर आपको जितना बड़ा, जितने ज्यादा अंक होंगे उतने ज्यादा समय तक आपको लिखना है और जितना अधिक से अधिक आप लिख पाए सुंदर हैंडराइटिंग में आप लिखने का प्रयास करिए। और इसकी जरा भी चिंता मत करिए कि मैं बहुत कम लिखा हूं या बहुत ज्यादा लिखा हूं। इसके बाद है निर्धारित समय में आप कंप्लीट करें अधिक से अधिक। यह भी बता दिया मैं आपको। अब क्या है, हिंदी साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह बात है उदाहरण देना। किसी भी अवधारणा के बारे में आप लिख रहे हैं तो जो अन्य विचारकों के जो मत है उसके संबंध में उसके बारे में लिखिए। जैसे काव्य के लक्षण बता रहे हैं तो अलग अलग जो विद्वान है उनके द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण क्या है उनके बारे में लिखें। छायावाद है, छायावाद को अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है उसका उदाहरण दें। और यदि किसी कवि के विषय में लिख रहे हैं या किसी लेखक के विषय में लिख रहे हैं तो उनकी कविताओं में जो पंक्ति आई है, जैसे कबीरदास जी के बारे में आपको उत्तर लिख रहे हैं तो जैसे कबीरदास जी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य या जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में लिख रहे हैं, उनकी जो दार्शनिकता है तो उससे संबंधित जो पंक्तियां हैं उनको आपको लिखना है। जैसे कबीरदास जी जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में लिखते हैं कि माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। और इसी प्रकार चलती चक्की देखकर देख कबीरा रोए, है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए, इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, निराला की है, निराला की जैसे वह तोड़ती पत्थर की पंक्तियां हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो इस टाइप की जो पंक्तियां हैं तो ये पंक्तियां आपको उद्धृत करना आवश्यक है। और जब आप पंक्तियों को उद्धृत करते हैं तो आप हमेशा, अगर परीक्षा में अलाउ है, परीक्षा में अलाउ करते हैं, तो आप हमेशा दो प्रकार के, दो रंगों का पेन का प्रयोग करें, एक नीला और एक काला। जहां पर भी आप उदाहरण लिख रहे हैं या फिर किसी कविता की रचना का नाम लिख रहे हैं तो वहां पर आप ब्लैक पेन का प्रयोग करें। जो पॉइंट्स लिख रहे हैं तब भी आप ब्लैक पेन का प्रयोग करें। उसके बाद आप पूरा उत्तर ब्लू कलर में लिखें, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई काट छाट नहीं होना चाहिए। बहुत यदि अच्छी हैंड राइटिंग ना भी हो तब आप प्रयास करें कि यह पठनीय हो और जो मूल्यांकनकर्ता के सिर में दर्द ना हो, बहुत ही आसानी से उसको पढ़ पाए, उनको पढ़ने में खुशी महसूस हो, ज्यादा प्रयास करना ना पड़े। तो लेखक
और कवि के बारे में उनके जीवन से संबंधित बातों का भी आपको उल्लेख करना है कि उनके समय की सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने लिखना चालू किया, तो संक्षेप में इंट्रोडक्शन में आपको उनके बारे में लिखना है। इसके बाद क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, किस विचारधारा से संबंधित है, उसकी खासियत क्या है, इन सब बातों के बारे में आपको लिखना है। और आपका जो उत्तर है वह सारगर्भित होना चाहिए। इस तरह किताबों से आप पढ़कर अपने उत्तर बनाएं, नोट्स बनाएं और हमेशा अपना उत्तर उदाहरण सहित लिखें। मतलब जो भी आप लिख रहे हैं पंक्तियों का उदाहरण जरूर दें, आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण देंगे, कोटेशन देंगे, और जितने ज्यादा ज्यादा उस कवि या लेखक की पंक्तियों का आप उल्लेख करेंगे, उतना ही परीक्षा को यह महसूस होगा मूल्यांकनकर्ता का कि आपने इसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। यह बहुत ही जरूरी है हिंदी में। और उत्तर लिखने के लिए हमेशा स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का मानक संदर्भ जो ग्रंथ है उनको, बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनकी किताबों का अध्ययन करें, क्योंकि अगर गाइड या फिर शॉर्टकट रास्ता आप अपनाते हैं, गाइड वगैरह से पढ़ लेते हैं, तो एक बार यह जरूर देख लें कि इसमें जो तथ्य उल्लिखित हैं, जो लिखे गए हैं, वे सही है कि नहीं, इस तरह किताबों से लिए गए हैं कि नहीं। नहीं तो जो बड़े बड़े राइटर हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, बच्चन सिंह है, इनकी जो किताबें हैं, हिंदी आलोचना में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, इनके जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं इनको पढ़ें, मुक्ति बोध को पढ़ें, और ऐसे रामविलास शर्मा जी को पढ़ें। तो ऐसे जो बड़े बड़े राइटर हैं उनके मानक किताबों का आप अध्ययन करें, उनके व्याख्याओं का। और आप एक बात और बता रहा हूँ, आप पूरे प्रश्नों का उत्तर दें, कोई भी प्रश्न आप खाली ना छोड़ें। मतलब कई बार ऐसा होता है थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी है तो आप उस पर जरूर लिख कर आए, उसको अंत में लिखें जिसका ज्ञान आपको ज्यादा नहीं है, लेकिन आप उत्तर पुस्तिका को पूरी तरह से खाली कभी न छोड़े, यह हमेशा ध्यान रखें। और कोई गप भी लिख करना है, गुमराह करने का प्रयास ना करें परीक्षक को, लेकिन आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लिख सकते हैं। तो उस उत्तर को सबसे आखिरी में लिखना है जिसका ज्ञान आपको सबसे कम है। और जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कुछ अवधारणाएं आपको कठिन लगती होंगी, तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आपने देखा होगा, अवधारणाओं को आपको समझने का प्रयास करना है। समझकर पहले विभिन्न अवधारणाओं को, विभिन्न विचारधाराओं को, जैसे मार्क्सवाद है, छायावाद है, स्वच्छंदतावाद है, या फिर संरचनावाद है, उत्तर संरचनावाद है, विखंडनवाद है, जो विभिन्न अवधारणाएं हैं भारतीय साहित्य की, या फिर जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लुंजाइनस का उदात्त सिद्धांत, इन अवधारणाओं को पहले आप समझने का प्रयास करें। बार बार आप किताबों को पढ़ें, मेरे लेक्चर तो आप देखते भी होंगे, या इसमें आप लोगों को बहुत समझ विकसित हो गई होगी। जैसे छात्रों की ओर से मुझे फीडबैक मिलता है कि वे मेरे लेक्चर्स को बहुत पसंद करते हैं, बताते हैं कि सर हम समझ गए हैं इसको। तो अवधारणाओं को आप समझने का प्रयास करें, उसके बाद बार बार आप नोट्स को पढ़ें, नोट्स जरूर बनाएं, तो बहुत ही आसानी से आप उत्तर तैयार कर सकते हैं, परीक्षा में बहुत ही सारगर्भित उत्तर लिख सकते हैं। पेन की जहां तक बात है, किस पेन से लिखें, तो मैं यहाँ पर हर छोटी छोटी बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उस पेन से परीक्षा में लिखें जिसमें आप बार बार लिखने का अभ्यास करते हैं, जिसमें घर में आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स जरूर बनाना है आपको। तो जिस पेन से आपको लिखने का अभ्यास है बार बार, जिस पेन के साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, हाथ में दर्द नहीं होता, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, ऐसे पेन से आप लिखें जिसकी स्याही भी ना फैले और बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाए। एक बात और, बिल्कुल परीक्षा हॉल में जाकर आप कोई नया पेन ना खोलें, कि आपने कोई पेन आज खरीदा और सीधा परीक्षा हॉल में जाकर उसको खोलकर आप तुरंत लिखना चालू कर रहे हैं। तो जो पेन आप खरीदे हुए हैं उसको थोड़ा बहुत लिखकर आप देख लें घर में, मतलब थोड़ा मोटा लिखेंगे तो क्या होता है, वो पेन थोड़ा फाइन हो जाता है, बहुत ही अच्छा चलने लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल नया पेन वही परीक्षा हॉल में जाकर आप चालू करेंगे कि मैं भाई नए पेन से लिखूंगा, तो ऐसा आप ना करें। तो आप बिंदुवार नोट्स अवश्य बनाएं, बिंदुवार नोट्स जो होता है आपको परीक्षा में बहुत काम आता है ना। और अंत में परीक्षा से पहले एक रात पहले छात्र क्या करते हैं, पहले तो पढ़े नहीं रहते, फिर वो लोग क्या करते हैं, रात रात भर नोट्स को दूर आते हैं, तो वास्तव में यह सही तरीका नहीं है। बार बार आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें, और परीक्षा के एक दिन पहले, एक रात पहले, जैसे कल आपकी परीक्षा है, तो सिर्फ आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करें, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर जो आपको व्याख्या करनी है, जो लिखनी है, तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप आगे के भाग को बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे जो शुरुआत के जो नोट्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। मेरे नोट्स का पीडीएफ, मतलब जितने भी वीडियोस हैं उसमें आप नोट्स देखिएगा, जिसमें मैंने लिखा है प्रस्तावना, फिर बिंदुवार मैंने नोट्स बनाया, फिर उपसंहार या फिर सारांश भी लिखा हुआ है।
उसको आप देखेंगे कि मॉडल आंसर एक कैसा लिखा जाता है और कैसे ही बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इन सब बातों को आपने भली भांति समझ लिया होगा, और इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई कौतूहल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा आज का यह वीडियो कैसा लगा इसको आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसके साथ ही मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी सफल हों और अपने जीवन में उच्चतर उपलब्धियों को प्राप्त करें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपको ज्ञान कितना ज़्यादा है वह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसा है कि आप अपने ज्ञान को प्रस्तुत कैसे करते हैं, मतलब जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका इम्प्रेशन है मूल्यांकनकर्ता के ऊपर, कि आप एक बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति हैं, बहुत साफ सुथरा काम है आपका, आपने कंटेंट को बहुत ही ढंग से पढ़ा है और आपने जो प्रेजेंट किया है, दो कलर के आपने पेन से बहुत ही सुंदर लिखा है, जो महत्वपूर्ण अवधारणाओं और कोटेशंस को आपने यहाँ पर कोट किया है अलग रंग के पेन से, तो इससे क्या है, जब आपकी जो आंसर शीट होगा वह पठनीय होना चाहिए, उसको देख कर जो मूल्यांकन करता है उसका मन होना चाहिए कि मैं इसको पढ़ूँ और इसको कैसे अधिक से अधिक नंबर दूँ। तो आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो मूल्यांकन करता है वह आपको अधिक से अधिक अंक देने के लिए बाध्य हो जाए, नहीं तो आपकी कॉपी को देखते हुए कि नाक भौना सिकोड़े अब इसको क्या अंक दूं। और तो वर्तनी की गलतियां बिल्कुल भी ना करें, हिंदी में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, काट छांट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, और यदि कहीं काटना भी पड़ा तो एक बिल्कुल सिंपल सीधी लाइन से आप काट दें उसको, और आप बार बार बहुत ज़्यादा गंदा ना करें आंसर शीट को, साफ सुथरा आंसर शीट रखें, ऐसे ही पेन का प्रयोग करें जिसकी स्याही अगले पृष्ठ पर न फैले। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अगर आपके आंसर शीट में अगर आपके आंसर शीट में मार्जिन ना दिया हो तो आप स्केल से दोनों साइड मार्जिन जरूर खींचें, लेफ्ट साइड में मार्जिन खींच सकते हैं और राइट साइड में भी जरूरत पड़ने पर आप थोड़ा सा हिस्सा मार्जिन के लिए छोड़ सकते हैं, राइट साइड में ना भी छोड़े तो चलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में आप मार्जिन जरूर छोड़ें और दो उत्तरों के बीच में दो तीन लाइन का आप गैप जरूर छोड़ें, उसके बाद एक लाइन खींच सकते हैं छोटी लाइन, उसके बाद आप अगला उत्तर लिखना चालू कर सकते हैं, मतलब दो उत्तरों के बीच में दो तीन लाइन का आपको गैप जरूर छोड़ना है, लेफ्ट साइड में आपको मार्जिन जरूर खींचनी है और दो उत्तरों के बीच में आप चाहें तो एक आधी लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।